महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत जी, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे परिवारजन, शिर्डीचा या पावन भूमिला माझे कोटि कोटि नमन। 5 वर्षापूर्वी या पवित्र मंदिराला 100 वर्ष पूर्ण झालेले होते, तेव्हा मला साई दर्शनाची संधी मिळाली होती। आज यहां साई बाबा के आशीर्वाद से 7,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था वो काम भी पूरा हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी वहां जल पूजन का सौभाग्य मिला। आज मंदिर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है उनका शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे ही मिला था। दर्शन क्यूब प्रोजेक्ट ये पूरा होने से देश भर के और विदेश के भी श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी। साथियों, आज सुबह ही मुझे देश के एक अनमोल रत्न वारकरी संप्रदाय के वैभव हरिभक्त बाबा महाराज सातार करके वैंकुट गमन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने कीर्तन प्रवचन के माध्यम से जो समाज जागरण का काम किया वो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देगा। उनका बात करने का सरल तरीका, उनकी प्रेम पूर्वक वाणी, उनकी शैली लोगों का मन मोह लेती थी। उनकी वाणी में जय जय राम कृष्ण हरि भजन का अद्भुत ही प्रभाव हमने देखा। मैं बाबा महाराज सातारकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। मेरे परिवारजनों, देश को गरीबी से मुक्ति मिले, गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो गरीब कल्याण के लिए सरकार का बजट भी बढ़ रहा है।
आज महाराष्ट्र में 1,10,00,000 आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। ऐसे सभी कार्ड धारकों को 5,00,000 रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज देने के देश ने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर भी देश 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। गरीबों के घर बनाने के लिए भी सरकार ने 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये भी 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में करीब 6 गुना अधिक है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी अब तक करीब 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले साथियों को हजारों रुपए की मदद मिल रही है। अभी सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा। इससे सुथार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार ऐसे लाखों परिवारों को पहली बार सरकार से मदद सुनिश्चित हुई है। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अभी मैं सारे इतने आंकड़े बता रहा हूं, लाखों करोड़ों के आंकड़े बता रहा हूं। 2014 के पहले भी आप आंकड़े सुनते थे, लेकिन वो आंकड़े क्या होते थे? इतने लाख का भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, इतने लाख करोड़ का घपला। अब क्या हो रहा है? इतने लाख करोड़ इस काम के लिए खर्च किए गए, इतने लाख करोड़ इस काम के लिए। मेरे परिवारजनों, आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारे शेतकरी साथी भी मौजूद है। मैं सबसे पहले उन बालिकाओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अभी हमारे सामने हमारे शेतकरी समाज को संदेश देने के लिए धरती कहे पुकार का एक बहुत अच्छी नाटिका प्रस्तुत की। आप जरूर उसमें से संदेश लेकर के जाएंगे। मैं उन सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि इन मेरे शेतकरी भाई बहनों के लिए शुरू की। इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां महाराष्ट्र के छोटे किसानों के बैंक खातों में भी सीधे 26,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपए और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को
सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, किसानों के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों ने आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है। आज नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है, इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी। 1970 में, सोचिए, ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। अब लेफ्ट बैंक कैनाल से लोगों को पानी मिलना शुरू है और जल्द ही राइट बैंक कनाल भी शुरू होने वाली है। राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बलिराजा जल संजीवनी योजना भी वरदान सिद्ध हो रही है। दशकों से लटकी महाराष्ट्र की 26 और सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार पूरा कराने में जुटी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को होगा। लेकिन जब आज इस डैम से पानी मिलना शुरू हुआ है, मेरे सभी किसान भाई बहनों को मेरी एक प्रार्थना है, ये पानी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हमने उपयोग करना चाहिए। मेरे परिवारजनों, हम सच्ची नीयत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से, सिर्फ यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी, 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है। साथियों, हाल में रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। चने के एमएसपी में
105 रुपये, गेहूं और कुसुम के एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे महाराष्ट्र के हमारे शेतकारी साथियों को बहुत लाभ होगा। गन्ना किसानों के हितों का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल किया जा चुका है। बीते 9 साल में करीब 70,000 करोड़ रुपये का इथेनॉल खरीदा गया है। ये पैसा भी गन्ना किसानों तक पहुंचा है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए चीनी मिलों, सहकारी समितियों के लिए हजारों करोड़ रुपये की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने का काम भी कर रही है। देश भर में 2 लाख से अधिक सहकारी समितियां बनाई जा रही है। देश के किसानों को भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सहकारी समितियों को, पैक्स को मदद दी जा रही है। छोटे किसानों को एफपीओस यानी किसान उत्पादक संघों के माध्यम से संगठित किया जा रहा है। सरकार के प्रयास से अभी तक देश भर में 7,500 से अधिक एफपीओ भी बन चुके हैं। मेरे परिवारजनों, महाराष्ट्र अपार सामर्थ्य और अनगिनत संभावनाओं का केंद्र रहा है। जितना तेज महाराष्ट्र का विकास होगा, उतनी ही तेजी से भारत विकसित होगा। कुछ महीनों पहले मुझे मुंबई और शिरडी को कनेक्ट करने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। महाराष्ट्र में रेलवे के विस्तार का ये सिलसिला लगातार जारी है। जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन शुरू होने, मुंबई हावड़ा रेल रूट पर आवाजाही आसान होगी। इसी तरह सोलापुर से बोरगांव तक फोरलेन रोड के निर्माण से पूरे कोंकण क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे उद्योगों को तो फायदा होगा ही, गन्ना, अंगूर और हल्दी किसानों को भी लाभ होगा। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं, बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाएगी। एक बार फिर आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आओ हम मिलकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, दुनिया में भारत का नाम विकसित भारत के रूप में होगा, ये संकल्प लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।